Study IQ is. Abtayari hui affordable. Hello, aspirants. Today we are going to discuss. In the entire history, the most controversial scholar. In fact, more controversial than Marx. In fact, not only the most controversial scholar, but in fact the most misunderstood intellectual नॉट ओनली ऑफ his टाइम बट also इन प्रेजेंट टाइम ही is मोस्टली misunderstood पॉलिटिकल साइंस के एस्परेंट्स सोशलॉजी के एस्परेंट्स या फिर फिलोसफी के एस्परेंट्स या फिर एक जनरल पब्लिक जिनको ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स को समझना है पॉलिटिक्स में जाना है या फिर एक डे टू डे लाइफ के अंदर भी चीजों को बेहतर करना है इस कलयुग के अंदर शायद आज आपको मैकियावली को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे जैसे ये पंद्रह से बीस मिनट प्रोग्रेस करेंगे आफ्टर एंड ऑफ ट्वेंटी मिनट्स यू विल नॉट ओनली एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिनेरियो इन इंडिया एंड बियॉन्ड बट एट द सेम टाइम यू विल आल्सो एबल टू इफ यू फॉलो दीज नेक्स्ट टेन मिनट रिचुअल यू एबल टू मेक योर लाइफ मच मोर बेटर बिकॉज मेकियावल एक ऐसे स्कॉलर हैं जिसको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है लेकिन इनकी जो प्रैक्टिकैलिटी है स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस वाले लोग इसे पढ़ते हैं सोशियोलॉजी वाले लोग इसे नहीं पढ़ते हैं बट पॉलिटिकल साइंस में भी ना क्लियरिटी नहीं है और आगे दस मिनट में ये इतना क्लियर हो जाएगा जो आपके टीचर ने शायद आपको चार क्लास में क्लियर कराया होगा इतना जबरदस्त स्कॉलर इतना प्रैक्टिकल रेलिवेंट शायद आपको कोई और दूसरा स्कॉलर नहीं मिलेगा इवन मार्क्स भी नहीं दिखेगा बट मैकियावली की इश्यू ये रही कि ये रॉन्ग टाइम में बॉन्द थे ही वाज़ फार अहेड ऑफ इस टाइम इन्हीं की राइटिंग से पॉलिटिकल रियलिज्म डेवलप होता है और इनके अंदर इनके जो सर्कमस्टांसिस थे बड़े ही एक डिफरेंट रहे ये कैथोलिक होके भी चर्च के रूल के अगेंस्ट में थे पहले मेडिक मेडिक फैमिली इनके टाइम में जो थी उनके मेडिक्स फैमिली जो थी इनके अगेंस्ट में थे फिर जाके इनके फेवर के लिए द प्रिंस लिखी लेकिन फिर जब वो मेडिक्स फैमिली गिर गई तो फिर इसको प्रो मेडिक बोल के इनको राइट right पोजीशन नहीं मिली मतलब ही ऑलवेज बिकेम द विक्टिम ऑफ हिज ओन सरकमस्टेंसेस और जिस सरकमस्टेंसेस में ये रहे उस टाइम में ये थ्योरी देना बड़ा ही आई मीन इट वाज अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन लेट्स सी ऐसा क्या बोल दिया ने जो इतने सालों के बाद भी आज सॉलिड से रेलिवेंट है लेकिन से पहले मैं इनके आगे के और पीछे के कनेक्शन आपको समझाना चाहता हूं कि ऐसी चीजें और भी लिटरेचर्स के अंदर थोड़ी बहुत आपको दिखाई देगी अप्रूडेंट रूलर कैन नॉट एंड मस्ट नॉट ऑनर हिज वर्ड्स आप खुद देख लो क्या जब... ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको सीधा शॉक कर देगा आज आपके मॉरल और एथिक्स को हिला के छोड़ देगा अरे यार ये कैसा रूलर होगा कि एक सच्चा रूलर या फिर एक प्रूडेंट रूलर एक आई मीन I mean, एक रूलर हु इज अ रियली गुड एंड हु इज अफिशियंट वो कभी भी अपने वर्ड्स को ऑनर नहीं करना चाहिए समझ में आ रहा है अंडरस्टैंड दिस फोर्थ बीसी के अंदर चाणक्य साहब ने विष्णुगुप्त या कौटल्या जिसे बोलते हैं एडवाइजेज द रूलर टू डू वट एवर इज ने टू अचीव द वेल बींग ऑफ द स्टेट जो मुनासिब है वो करो स्टेट के वेलफेयर के लिए थर्ड सेंचुरी बीसी में जाए तो हैनफी जू बोलते हैं इट्स ह्यूमन नेचर टू सीक पर्सनल गेन एंड अवॉइड पनिशमेंट ये हमारा नॉर्मल आज भी यही नेचर आ रहा है फोर्थ सेंचुरी या थर्ड सेंचुरी बीसी में नहीं आज भी यही नेचर है कि हम कहीं ना कहीं अपने फेवर की बात करते हैं और अपने पनिशमेंट्स को अवॉइड करना चाहते हैं चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हो कोई भी एक ह्यूमन नेचर हो नॉर्मली ये दिखाई देगा कुछ शायद संत महात्मा में शायद ये नहीं दिखाई दे बस आफ्टर मेकियावली बीच में आए मेकियावली उसके बाद मेकियावली के बाद में हॉब्स ने लिखी और वो बताते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसे सेल्फिश है है ब्रुटिश है नेस्टी ब्रूटिश यहां तक बोलते हैं कि ह्यूमन वुड नॉट इवन हेसिटेट टू तो किल हिज चिल्ड्रन फॉर हिज ओन वेलफेयर हॉब्स लेविथियन के अंदर लेविथान के अंदर या लेविथियन के अंदर अब इनके बीच में आते हैं निकोलो मैकियावली इनका जो रेलिवेंस है पॉलिटिक्स के लिए डे टू डे लाइफ के लिए और कहीं ना कहीं यूपीएससी में आपके आंसर्स एनहैंस करने के लिए स्पेसिफिकली आपके पेपर फोर एथिक्स में मैकियावली को जरूर दिमाग में लेके चलना क्योंकि ये रियलिस्टिक बात करते हैं ना कि एथिकल और मॉरलिस्टिक फिलोसफी देते हैं मेकियावलीज वर्क गेव राइस टू द टर्म मैकियाविलिन या मेखिया नो you know, मे, uh, विलियन उसे बोलते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फिश या वैसा पॉलिटिकल लीडर होता है इट द एप्टोजुलेटिव डिसाइटफुल एंड जनरली सेल्फ सर्विंग पॉलिटिशियन हु बिलीव एट द एंड जस्टिफाइज द मीन्स ये उस मेखिया उसके लिए यूज किया जाता है जो एंड पे फोकस करता है मीन्स पे फोकस नहीं करता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम फैमिली प्लानिंग पॉलिसी के अंदर जाएं तो संजय गांधी ने पॉलिसी निकाली कंपलसरी फोर्स डिस्टेरलाइजेशन अगर मेकियावली होते तो शायद उसको भी जस्टिफाई करते कि भैया इकसठ परसेंट कहीं ना कहीं टारगेट अचीव किए गए पॉपुलाइजेशन स्टे, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हुई तो सही है मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है एंड इंपॉर्टेंट है इनके लिए हाउ एवर द टर्म फेल्स टू लेकिन ये जो मेकियाविलियन है ये बहुत ही एक मान लो जैसे पूरी किताब लिखी हुई एक पैरा आपने निकाल लिया अब ये पैरा निकाल के आपको बड़ा थोड़ा सा हर्ट करेगा रे यार ये तो गलत बात है मींस भी सही होने चाहिए चीजों में लेकिन ये बीच में लिखी हुई है इसके आसपास की प्रपोजिशन आप समझोगे तो इसकी रेलेवेंस समझ में आएगी हाउ विवर द टर्म फेल्स टू एनकेस्प्यूलेट मच ब्रॉडर पॉलिटिकल फिलोसफी दैट मे गेव इन द बुक कॉल्ड प्रिंस विच वॉज मेड फॉर द प्रिंस हु आर गोइंग टू बी द रूलर ऑफ मेडिक्स फैमिली बिलीव इन ट्रिबल ही लिव इन ए ट्रिबुल टाइम क्रिश्चन वर्ल्ड जहां पर रूल कर रहा था डिवाइन गाइडेंस वो धीरे धीरे अब रिप्लेस हो रहा था बाई आइडिया दैट ह्यूम रूल सेल्स तो मतलब एक से कही ना कही कर रही थी थोड़ी सी रैशनल rational तरीके से रैशनलिटी की तरफ और कहीं ना कहीं सेल्फ रूल और अपनी डेस्टिनेशन डिटरमाइन करने की तरफ ये था बैकग्राउंड जिसमें मैकियावली रहते थे इटालियन सिटी स्टेट सच एज मैकियावलीटिव फ्लोरेंस

It was in this background that he developed an unconventional approach towards politics. ये बैकग्राउंड नतीजा है इनकी थियरी के लिए अब है क्या थियरी बिफोर गोइंग टू दैट अब आपको आंसर राइटिंग में फील हो रही है आपने क्लासेस कर रखी है आपके पास सफिशियंट नोट्स नहीं है बार बार नोट्स बनाते रहते हो अगर ये सारी प्रॉब्लम बाई चांस आप फेस कर रहे हो देन बिलीव मी गाइज दिस थर्टीन थाउजेंड और फिफ्टीन इज वर्थ पिंग अब रिग्रेट नहीं करोगे इसको डेफिनेटली क्योंकि एक टेस्ट सीरीज का प्राइस ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर इज मोर देन दिस हियर वी आर गिविंग यू टेस्ट सीरीज हैंड रिटन नोट्स कंटेंट गाइडेंस डाउट सेशन जूम कैन नॉट इवन जस्ट इमेजिन एंड यस आई एम नॉट सेइंग यू दिस वी हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम पास्ट 1 ईयर सिंस वी स्टार्टेड आवर सोशियोलॉजी बैच हियर ही सॉट टू गेट टू द हर्ट ऑफ द मैटर एंड ट्रीट पॉलिटिक्स नॉट एज अ ब्रांच ऑफ मॉरल फिलोसफी ये मॉरल नहीं समझते थे पॉलिटिक्स uh, uh, को मॉरल फिलोसफी जैसे नहीं लिए उन्होंने रियलिस्टिक चीजों के जैसे इसको समझा बट रेदर इन प्योरली प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक टर्म इसीलिए इनको बोला जाता है एक रियलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स मैकियावेली के थॉट का अनलाइक प्रीवियस पॉलिटिकल थिंकर्स ही स्टेट एज नरिशिंग मोरालिटी ऑफ इट्स सिटीजंस बट रेदर इंश्योरिंग देयर वेलबींग एंड सिक्योरिटी आप किस स्टेट को फेवर करोगे जो ज्यादा मॉरल प्रिंसिपल स्पीच करता है या फिर अपने जो सिंग एंश्योर well करता है राइट right हेल्थ देता है राइट right एजुकेशन देता है प्रोटेक्ट करके रखता है किसको फेवर करोगे दो मिनट आप के सोचना और अगर आप सेकेंड वाले को फेवर कर रहे हो तो आप खुद शायद में क्या विलियन की तरफ थोड़े से टिल्ट हो रहे हो तो इट इज नॉट अबाउट मॉरलिटी इट इज अबाउट वेलबींग ऑफ द पीपल बाई प्लेसिंग यूटिलिटी अबो मॉरलिटी मैं क्या वली ने यह किया हिज आइडियाज फॉर डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स आर बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस प्रूडेंस रैदर देन एनी सॉर्ट ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग्स तो इन भाई साहब के लिए वो लीडर होता है जो एक इफेक्टिव हो वो लीडरशिप की क्वालिटीज होनी चाहिए ना कि वो मॉरलिस्टिक फिलोसफीज जैसी क्वालिटीज होनी चाहिए लीडर के अंदर क्योंकि अल्टीमेटली वेल वेलबींग इंपॉर्टेंट है ना कि एथिकल प्रीचिंग्स इंपॉर्टेंट है एथिक्स से घर में दाल रोटी नहीं आएगी वेल well वेलबींग से शायद आप समाज में बहुत अच्छी तरीके से विकसित भी कर सकते हो समाज को और डेवलप के साथ साथ आप लोगों को भी डेवलप कर पाओगे अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इनकी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर की क्या थी बहुत क्लोज रिलेशनशिप रखेगी ये हॉब्स से बट ऑब्वियसली नॉट हॉब्स है सच दैट मेजोरिटी ऑफ द पीपल बाई नेचर आर सेल्फिश शॉर्ट साइटेड फिकल एंड ईजिली डिसीव्ड ये मानते हैं कि मेजोरिटी लोग ऐसे ही हैं समाज के अंदर अब अगर हम ये एक्सेप्ट करके चीजों को आगे बढ़ाएं तो शायद हम प्रैक्टिकल ज्यादा होंगे और अगर हम मान कि नहीं हर कोई कहीं ना कहीं धर्मात्मा है सेंट है दूध का धुला हुआ है तो रियलिटी में तो ऐसा कोई नहीं मिल रहा है न तो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो है न शायद मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं वो शायद नहीं रहे अपने लाइफ में कभी ना कभी इन कैरेक्टरिस्टिक्स में एवरी ह्यूमन मे बी बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन मे बी बिकॉज ऑफ दी एस्पेक्ट वी लार्जली टेल्ट टूवर्ड्स अवर ओन वेलफेयर इल दे माइट अपियर टू बी एन ऑब्स्टेकल अब ये, अब यहां पर सबसे बेहतरीन चीज है मैकियावली की ये बोलते हैं कि यह सारी क्वालिटीज को आप ये ऑब्स्टेकल मानते क्यों दिखने में शायद ये ऑब्स्टेकल लग रहे हैं मैक्यावली क्या बोलते तो हैं वाइल दे कैन बी अपियर एज एन ऑब्स्टेकल टू क्रिएट एफिशियंट स्टेबल सोसाइटी मैकियावली आर्ग्यूज दैट सम ऑफ दीज क्वालिटीज

और अगर वो ये मान के चलते हैं तो बोलते हैं फिर तो कुछ किया ही नहीं जा सकता सबको ऐसे ही हैं। आज भी हम और आप जब करप्शन की बात करते हैं नहीं यार सब ऐसे ही है जो वीक क्वालिटीज है इसको यूज किया जा सकता है लेकिन उसके लिए एक इफेक्टिव लीडरशिप और करेक्ट लीडरशिप होनी चाहिए नेगेटिव ह्यूमन नेचर कैन बी यूज्ड पॉजिटिवली अगर राइट लीडरशिप है आपके पास जैसे ये बताते हैं मैकियावली नोट नेगेटिव ह्यूमन ट्रेड कैन बी बीटर्न टू अ कॉमन गुड सच एज टेंडेंसी टू इमिटेट रेदर देन थिंक एज इंडिविजुअल एक नेगेटिव कनोटेशन जो लोग कॉपी कैट बिहेवियर रखते हैं या कॉपी करते रहते हैं ये बोलते हैं इसको भी बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं कैसे अगर लोग दूसरों को इमिटेट कर रहे हैं तो एक पावरफुल लीडर है उसको भी तो इमिटेट करेंगे ना तो देर फॉर कॉपरेशन बिल्ड की जा सकती है वॉडन अप्रोच यार द ट्रेड सच एज फिकलनेस वीकनेस

आपको इमिटेट करवा सकता है कि देखो मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करो तो आपका इंप्रूवमेंट डेफिनेटली उधर दिखाई देगा लेकिन हम ये फिकलनेस को लेके बैठ जाते हैं और उसका रोना रोते रहते हैं कि नो 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 दिस इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू वर्क नो इट कैन वर्क इफ यू जस्ट नो मै हियर ज सच ए सेल्फिशनेस मैनिफेस्टेड इन द ह्यूमन डिजायर फॉर पर्सनल गेन एंड एम्बिशन बी पॉरफुल्ड करेक्टली हर कोई अगर सेल्फिश है तो कहीं ना कहीं पूरा समाज बेहतर तरीके से जा सकता है यार दर इज अ पॉसिबिलिटी वेर यू कैन यूज दिसने बेटरमेंट ऑफ दर सोसायटी एंड कम्युनिटी एंड स्पेशली यूजफुल पर्सनल क्वालिटीज इन ए रूलर अगर ये रूलर भी ऐसा ही सेल्फिश है तो कहीं ना कहीं ये कही बेटर तरीके के लिए समाज को ज्यादा रूल बेटर करा सकता है अपने रूल को मेंटेन कराने के लिए इसीलिए बोला जाता है पहले जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हो तो पहले कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग तरीके से रूल करो और धीरे धीरे लोगों को जब आप पे विश्वास हो जाएगा तो लोग आप ही अपने आप अपने आप को आपके जैसे इमिटेट करेंगे आपको सपोर्ट करेंगे और आपको तब अपॉर्चुनिटी मिलती है समाज को सुधारने के लिए तो भैया पहले मेजोरिटी ले आओ मेजोरिटी लाने के बाद समाज अपने आप आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं है और आप चाहते हो और ये कैरेक्टरिस्टिक समाज के अंदर है तो यू नेवर एबल टू इंप्रूव द सोसाइटी है सच वेन कैन द ह्यूमन नेचर बी यूज दस पॉजिटिव फोर्स तो पॉजिटिव किया जा सकता है कब किया जा सकता है प्रूडेंट लीडर जब हो आपके पास तो मैं क्या बोली कितने बढ़िया प्रोपोजिशन से थियरी बनाते हैं पहले बैकग्राउंड समझाते हैं फिर बताते हैं ये क्वालिटी को यूज किया जा सकता है पूछा जाता है कैसे किया जाए भाई साहब तो बोलते हैं देखो एक प्रूडेंट लीडर लेके आओ बाई विच ही मीन्स लीडरशिप दैट इज यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ स्टेट प्रिंस वॉज रिटर्न टू एंश्योर दैट भी प्रिंसेस है उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो समाज को ज्यादा बेहतर रूल कर सके लॉन्ग लास्टिंग रूल कर सके और सबके बेहतरी के लिए रूल कर सके अब यह लीडरशिप के क्वालिटीज वो बताते हैं वेन डीलिंग विद एक्शन ऑफ ए रूलर ही बिलीव के लीडर को सबसे पहले मोरलिटी को नहीं यूटिलिटी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए मोरालिटी सेकंड प्लेस में आनी चाहिए यूटिलिटी टॉप प्लेस पे आनी चाहिए इन जजिंग पॉलिसीज वी शुड कंसीडर द रिजल्ट्स दैट हैव बीन अचीव्ड थ्रू देम देन द बाय दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड मैक्यावली बोलते हैं कि लीडर को हमेशा एंड पे फोकस करना मीन्स पे फोकस नहीं करना है तो एथिक्स को साइड में रखो मोरालिटी को साइड में रखो और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बनो तो टेक्निकली क्या है आप सबको वही मैकियावली को फॉलो कर रहे हो लेकिन गालियां हम मेक्यावली को ही देते हैं क्योंकि हमको वो बुरा लगता है हमारे अंदर जब वो क्वालिटी है तो सही है

कि किस तरीके से कहीं ना कहीं मोरालिटी को सेकंड में रखो यूटिलिटी सबसे आगे रखो एथिक्स पेपर में आप लोग क्या करते हो रियलिटी में एथिक्स लिखते हो नहीं हंड्रेड परसेंट नहीं इंटरव्यू के अंदर आप जब जाओगे या फिर जब मैं गया था कौन इतने सच आंसर देता है इंटरव्यू के अंदर कोई नहीं देता है कहीं ना कहीं वो आंसर देते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल लगे हमको अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि वुमेन वायलेंस सही है एनकाउंटर्स का पॉलिसी सही है तो बहुत सारे लोग हैं जो एनकाउंटर को फेवर करते हैं लेकिन इंटरव्यू में कभी बोलेंगे नहीं, को फेवर करते हैं थ्योरी नहीं दी मैवली ने खोल के रख दिया ह्यूमन नेचर को अब लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए बोल्डनेस होनी चाहिए डिसिप्लिन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होनी चाहिए उसके पास He also stresses the importance of analyzing a situation rationally before taking an actions and basing the actions not on how people should ideally behave but how they would behave. ये सोच के action मत लो कि शायद लोगों को अच्छा है या लोगों को अच्छा ही लगेगा नहीं. Action लेना चाहिए कि reality में वो कैसे behave करने वाले हैं. टू डील विद सेल्फिशनेस ए लीडर नीड्स टू एम्प्लॉय दिक्स वॉर तो मतलब यह वॉर की टेक्टिक्स अब यह पूछा गया कि ये सब क्वालिटी बोलते टेक्टिक्स ऑफ वॉर को यूज करना पड़ेगा वॉर में क्या ऐसी टेक्टिक्स होती थी यार एंड इज ऑल दैट काउंट्स मैं क्या कंक्लूड दैट वो टेक्टिक्स ऑफ वॉर क्या होती है दैट एसेंस ऑफ मोस्ट पॉलिटिकल लाइफ इज कॉन्सप्रेसी वॉर में कॉन्सप्रेसी होती है स्पाई होता है इंटेलिजेंस काउंटर इंटेलिजेंस ये सारी क्वालिटी आल रीड इट आउट जस्ट ए सक्सेस इन वॉर डिपेंडेंट अपॉन एसपीओन इंटेलिजेंस काउंटर इंटेलिजेंस एंड डिसेप्शन पॉलिटिकल सक्सेस रिक्वायर सेम क्वालिटी आपको पॉलिटिक्स में भी अपनानी पड़ेगी इसका मतलब जो वॉर के अंदर क्वालिटीज एक्शन लिए जाते हैं सेम चीज एक लीडर को पॉलिटिक्स में करना पड़ेगा तब जाके वो एक सक्सेसफुल लीडर बन पाएगा और वो क्वालिटीज को मैनिकुलेट करके यूज कर पाएगा समाज की बेहतरी के लिए मै वॉज द फर्स्ट इन द वेस्ट टू एक्सप्लेटली पर्पोज अ थियरी ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सप्रेसी According to Machiavelli, while intrigue and deceits are not morally justifiable in private life, they are prudent for successful leadership and excusable when used for common good. Pra एक अपनी private life में शायद ये qualities नहीं use करना है state के लिए public life में शायद एक leader को ये qualities use करनी पड़ेगी अगर उनको leadership maintain करके रखनी है तो love versus fear. इन आइडियल वर्ल्ड ही शुड बी बोथ लव एंड फियर्ड लेकिन मैं मेक्यावली बोलते हैं एक लीडर को लव और फ़ियर दोनों नहीं मिल सकती है या तो लीडर इज लव और ए लीडर इज फियर्ड फियर विल कीप द लीडर इन मच स्ट्रांगर पोजिशन और यह फेवर करते हैं फियर होना चाहिए लीडर शुड फोकस ऑन डेवलपिंग अ फियर नॉट मेकिंग पीपल लव हिम

यूज कर सकते हो आप करो वहां पे एंड जस्टिफाइज द मीन्स नॉट मीन्स जस्टिफाइज द एंड प्राइवेट लाइफ में नहीं करना है और ये वाला पॉइंट ऑफन लोग भूल जाते हैं कि मैकियावेली कोई ओपन तरीके से कहीं ना कहीं वो टैक्टिक्स ऑफ वॉर की बात नहीं कर रहे हैं पब्लिक लाइफ के अंदर वो एक लीडर के लिए एक किताब लिख रहे हैं आम आदमी के लिए एक किताब नहीं लिख रहे हैं डिस्पाइट ऑल दिस ही फेवर्ड रिपब्लिक इतना सब कुछ होने के बाद ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज जैसी चीजें दिखने के बाद रिपब्लिक को फेवर करते हैं और मानते हैं कि सोसाइटी रिपब्लिक होनी चाहिए जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो और वो सारी एस्पेक्ट हो और वो रोमन कैथोलिक चर्च के इंटरफ्रेंस विद द स्टेट के अगेंस्ट थे तो रिमेंबर मकियावली ने हमेशा रिपब्लिक को फेवर किया वो दी अदर फॉर्मस ऑफ सिस्टम ही वॉज द फर्स्ट टू टेक एन ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक अप्रोच टू पोलिटिकल हिस्ट्री एवरी वन सीज वॉट यू अपीयर टू बी बट फ्यू रियली नो वॉट यू और ये इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि इन्होंने बड़ा ही रियलिस्टिक थियरी दिया जो शायद सदियों से सदियों से, सदियों से से चला आया और आज भी शायद आगे उतना ही रेलिवेंट रहेगा इसकी रेलिवेंट क्या है एक स्टेटमेंट में बताता हूं इसकी रेलिवेंट जो मुझे लगता है पर्सनली ये पर्सनलीवली का पॉइंट नहीं है आई हैव जस्ट रिटन इट बाय माय ओन अंडरस्टैंडिंग डोंट वी ओवरलुक द डुबिय मैकेनाइजेशन ऑफ अ गवर्नमेंट इफ द आउटकम वर्क्स इन आवर फेवर कोई ऐसा गवर्नमेंट का स्टेप जो हमारे फेवर में है लेकिन जो खराब है खराब तरीके से लिया गया हम उसे सपोर्ट नहीं है करते हैं क्या करते हैं ना और अगर आप करते हो तो क्रिटिसाइज करने का राइट आपके पास डेफिनेटली नहीं है क्योंकि जो चीज हमारे फेवर में हो रही है हम उसे क्रिटिसाइज नहीं करते चाहे मींस कैसे भी हो तो अगर आपको यूपीएससी का पेपर आज मिल जाता है तो आप खुश हो आप किसी को बोलोगे नहीं लेकिन आप यह नहीं बोलोगे उस टाइम के मींस राइट होने चाहिए दैट इज द फैक्ट कि इतने प्रैक्टिकली चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं बट टू फाउंड सच ए रिपब्लिक जो वो बताते हैं ए फॉर्म और रिफॉर्म एन एग्जिस्टिंग स्टेट रिक्वायर्स द लीडरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल जिसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो हमने डिस्कस किए हैं

times are biased. some strongly favours machiavelli, some rejects machiavelli. but yes, the best thing about machiavelli is it is more practical. it at least helps us in understanding our true self nature. although machiavelli theories may not help us in developing or may not be acceptable in the modern society guided by more ethical and moral principles. but at the end, when one sits back and relaxes, one really understands that he himself have largely been machiavelli in his life. or so shoka batch agar who joined Karna the september batch is starting. Get into the batch and really feel the difference in your sociology. Thank you. I hope you enjoyed the sessions. Take care. Study IQ IS hui Affordable.